देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक बुरी खबर है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि सीएसओ ने आज 2017 और 18 में जीडीपी यानी कि विकास दर का अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक साल 2017 और 18 में देश की विकास दर 6.5% रहेगी। ये 7% के सरकार की उम्मीद से काफी कम है, क्योंकि साल 2016 और 17 में विकास दर 7.1% रही थी और साल 2015 और 16 में देश की विकास रफ्तार 8% के करीब पहुंच गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से आज राष्ट्रीय आय 2017-18 के लिए अग्रिम अनुमान जारी हुए हैं। साल 2017-18 में जीडीपी 129.85 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि 31 मई 2017 को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 और 17 में 121.90 लाख करोड़ रुपए होने वाला था। दरअसल नोटबंदी और जीएसटी के प्रभावों के चलते पहले ही आर्थिक जानकार अनुमान लगा रहे थे कि देश की जीडीपी में गिरावट देखी जा सकती है और ये 7% के नीचे जा सकती है। हालांकि आने वाले बजट को देखते हुए सरकार के लिए अनुमान और भी ज्यादा मुश्किलें खड़े कर सकते हैं। सरकार के लिए लोक लुभावन बजट पेश करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा।